नमस्कार दोस्तों, और आज के स्टूडियो में मैं करने जा रहा हूं बात 15,000 रुपए के नीचे जो बेस्ट फोन है उनके बारे में। एंड यहां पे दोस्तों मैं सिर्फ उन फोन्स के नाम ही नहीं बताऊंगा बट उनके स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोज एंड कॉन्स जितने भी हैं उन फोन्स के वो भी दोस्तों लिस्ट करूंगा। तो थोड़ी सी बेटर होने वाली है लिस्ट। हमारे पुराने जो वीडियोस बनाते थे उसमें प्रोज एंड कॉन्स इतने नहीं बताते थे, तो आइए पता लगाते दोस्तों इन फोन्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों पहला फोन है लिस्ट में पोको की तरफ से M4 Pro 5G। एंड ये दोस्तों एक बेसिकली एक 5G डिवाइस है एंड आजकल 5G फोन्स लोग बाग बहुत खरीदना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज मिलती है 14,999 रुपए की विद MediaTek Dimensity 810 का जो चिपसेट है। इसी में दोस्तों आपको 6.6 इंचेस का IPS LCD पैनल भी मिल जाएगा। ये 90Hz पे है। कैमरा की बात करें तो 50MP प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड उसके अलावा दोस्तों 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 4400mAh की बैटरी एंड 33W चार्जिंग। तो ये तो है दोस्तों इस पर्टिकुलर फोन के स्पेसिफिकेशन। अब अगर प्रोज की बात करूं तो सबसे पहला प्रो है दोस्तों यहां पे इस फोन का डिजाइन। इसी के साथ साथ दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन का डिसेंट था। एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि यहां पे 5G होते हुए भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे को मिस आउट नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि भाई 2MP का मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर डाल दिया, नहीं, जो दोनों कैमराज हैं दे आर एक्चुअली यूजफुल। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पे इस फोन की अच्छी लगती है वो है इसके जो 5G बैंड का सपोर्ट है, 7 5G बैंड सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि 2 या 3 है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो होगा दोस्तों प्रोज। अब अगर कॉन्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में अगर आपको 5G मिल रहा है तो जो LCD स्क्रीन है उस पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है एंड कुछ लोग शायद AMOLED प्रेफर करें इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। और दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ पे मतलब ये निटपिकिंग हो गई, लेकिन अगर एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स होता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होती। अब इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फोन है माइक्रोमैक्स का इन नोट 2 एंड स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पे आपको 4GB रैम विद 64GB मिलता है 13,499 का। हीलियो G95 का प्रोसेसर है, फुल HD AMOLED डिस्प्ले है 60Hz पे, 48MP का प्राइमरी, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंड 5000mAh की बैटरी मिलती है विद 30W चार्जिंग। अब अगर प्रोस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्लास बैक पैनल है और वो जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा लोगों का अपीलिंग लगेगा एंड डिजाइन वाइज इस बार माइक्रोमैक्स ने अच्छा काम किया, बिकॉज उनके अगर पुराने फोन देखे तो डिजाइन वाइज इतना अच्छा नहीं होता था। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई एड्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पाईवेयर या किसी भी चीज का टेंशन होगा, नहीं भाई, जो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड है वो काफी ज्यादा सही है। लेकिन अब अगर कॉन्स पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हीलियो G96 अगर होता तो थोड़ा बेटर होता परफॉर्मेंस वगैरह। परफॉर्मेंस वाइज इट इज नॉट बैड बट इट कुड हैव बीन बेटर। G95 थोड़ा सा पुराना हो गया है एंड इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, ना कि एंड्रॉइड 12। तो एंड्रॉइड 12 स्टॉक एंड्रॉइड वुड हैव बीन मच बेटर बट स्टिल नेवर्थलेस इट इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट दोस्तों जो फोन है वो है मोटो की तरफ से G51 एंड ये आता है 4GB रैम विद 128GB स्टोरेज विद 14,999 फ्लिपकार्ट में। स्नैपड्रैगन 480 प्लस का यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD 120Hz पे, 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का कैमरा है, 13MP का सेल्फी है और 5000mAh की बैटरी है। तो अगर प्रोस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला प्रो है हर एक मोटोरोला फोन का होता है वो कि आपको जो सिक्योरिटी मिलती है और जो OS मिलता है वो काफी ज्यादा सही है। सिक्योरिटी आपको यहाँ पे थिंक शील्ड की मिल जाती है और जो स्टॉक एंड्रॉइड है दैट इज वेरी क्लीन। दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा मिल रहा है, तो डिस्प्ले वाइज आपको अच्छा मिल रहा है एंड इट इज एन HDR10 डिस्प्ले एंड यहाँ पे दोस्तों जो 12 5G बैंड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा सही है। अब अगर मैं कॉन्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्स थोड़े से ज्यादा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिजाइन है इतना अच्छा नहीं है, इट इज क्वाइट बोरिंग अगर आप बाकी दूसरे फोन से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा इंटरफेस है दैट इज रियली बगी एंड कैमरा इज नॉट दैट इंटुएटिव एंड इसलिए जो फोटोज आते हैं दे आर क्लोज टू नेचुरल, दे आर गुड, बट वो जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है। ओवरऑल इट इज अ गुड डिसेंट फोन बट देर आर बेटर चॉइसेस एंड स्टॉक एंड्रॉइड में अगर आपको इन नोट 2 पे माइक्रोमैक्स में अगर विश्वास है तो आप उस पर भी नजर डाल सकते हैं बिकॉज यही दोनों हैं जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड दे रहे हैं। नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सैमसंग गैलेक्सी M32 एंड स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज मिलता है 14,999 रुपए का। MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर है, 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है जो 90Hz पे है, 64 प्लस 8MP का कैमरा है, 2MP के दो और कैमरा है, 20MP का सेल्फी है, 6000mAh की बैटरी विद 25W चार्जर सपोर्ट। तो अगर प्रोस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे तीन बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोस हैं। सबसे पहले तो डिस्प्ले है एंड डिस्प्ले वाइज सैमसंग हैज नेल्ड इट।
एक बढ़िया AMOLED डिस्प्ले है जिसकी पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसी के अलावा दोस्तों जो One UI है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर ऑलमोस्ट एनी Samsung फोन। One UI के कारण यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिल जाते हैं वो भी काफी ज्यादा सही देखने को मिलते हैं। पर अगर कॉन की बात करें तो दोस्तों इस फोन से मुझे बेसिकली एक ही कॉन है कि इसमें जो प्रोसेसर है और उसके अलावा जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा बॉटलनेक हो जाता है एक पूरे के पूरे फोन का जो एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, एंड इसलिए ये फोन आगे जाकर के थोड़ा स्लो हो सकता है। एंड इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो चार्जर मिलता है वो 25 वॉट का नहीं है इन द बॉक्स, इट इज अ 15 वॉट चार्जर, सो दैट इज ऑल्सो थिंग। एंड 4GB रैम की जगह 6GB रैम यहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस वाइज देयर इज अ बॉटलनेक ऑन Samsung फोन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों Infinix Note 11s की तरफ, जिसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 13,999 रुपए में मिलता है MediaTek Helio G96, 120 हर्ट्ज का IPS LCD, 6.5 इंचेस फुल HD, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, नो अल्ट्रा वाइड, 16 मेगापिक्सल सेल्फी एंड इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी भी है। सो बेसिकली दोस्तों इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट ने इस फोन ने बहुत सारे कॉर्नर्स काटे हैं। आपको Helio G96 का तो प्रोसेसर मिलता है, तो इट इज गुड डिसेंट गेमिंग फोन जिसमें आपको एक अच्छा रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। बट 5G ना होते हुए भी दोस्तों इस फोन ने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया। बेसिकली इस फोन में एक ही कैमरा जो काम का है, बाकी सेल्फी कैमरा भी काम का है, लेकिन अगर रियर कैमरा की बात करें तो इतना ज्यादा काम का नहीं है। 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट है, आई वुड से कि डिसेंट गेमिंग खेल सकते हो, बट स्टिल देर आर बेटर ऑप्शन आउट देर जो आप इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों Realme 9i की तरफ, जिसमें आपको Snapdragon 680 का प्रोसेसर मिलता है, 6.4 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD, 90 हर्ट्ज का पैनल है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एक ही कैमरा काम का है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एंड 5000 mAh की बैटरी है विद 33 वॉट चार्जर। अब अगर दोस्तों प्रोस की बात करें तो अट्रैक्टिव डिजाइन है यहाँ पे आपको, अगर मीडिया कंजम्पशन के लिए आपको अच्छी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं और बड़ा डिस्प्ले है, तो Realme UI भी दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा सही है। ऐसे बेसिकली इट इज अ डिसेंट फोन, बट दो जगह दोस्तों इसमें थोड़ी कमी रह जाती है। सबसे पहले तो LCD पैनल है जो कि ठीक है, मुझे सुपर AMOLED पसंद है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे है कि आपको जो अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो, मतलब इसमें अगर 50 मेगापिक्सल का इसमें जो प्राइमरी कैमरा है वही काम का है, बाकी के जो दो कैमराज हैं वो लिटरली किसी काम के नहीं है, एंड इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग अ कैमरा। एंड फाइनली दोस्तों अगर लास्ट फोन की तरफ भरते हैं Redmi Note 11, तो उसमें आपको मिलता है Snapdragon 680 का प्रोसेसर, सुपर AMOLED 90 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बाकी के दो मेगापिक्सल के हैं, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी है एंड 5000 mAh की बैटरी विद 33 वॉट चार्जर। सो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी फोन, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, एक बढ़िया प्रोसेसर मिलता है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। कॉन्स की बात करें तो दिस इज बेसिकली नॉट फॉर हाई एंड गेमिंग एंड हैज MIUI 13 जो कि Android 11 पे बेस है, तो MIUI 13 एक अच्छी बात है, बट अगर Android 12 पे जब आएगा तब आएगा, तब की जब देखी जाएगी, तो बस इट इज जस्ट दैट आई वॉन्ट ऑलमोस्ट ऑल द फोन्स नाउ टू बी ऑन Android 12 एज सून एज पॉसिबल। Redmi Note 11 इज अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी फोन, अगर आपको MIUI पसंद है, अगर आप MIUI से रह सकते हैं तो इट इज अ वेरी गुड फोन। स्टॉक Android के लिए भी दोस्तों हमने यहाँ पे सारे के सारी चीजें बताई हैं। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे फोन जिनके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको इस वीडियो में मिले हैं। पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतने, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।